जो एनसीडीसी का प्रोजेक्ट है वो हम भारत सरकार किसी कल्याण मंत्रालय से लाए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ पे हम एनसीडीसी से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए का बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस समय उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। हम लेमन ग्रास में भी काम कर रहे हैं, हम साइलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेब उत्पादकों का भी एक FPO बनाया हम लोगों ने, और कृषि आधारित जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। और साथ ही NCDC को भी मैं बधाई दे रहा हूँ, भारत सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के रुद्रपुर से लॉन्चिंग की थी और उस दिन लगभग 70,000 किसान उस कार्यक्रम में आए थे। और मैं एक बार फिर भारत सरकार का और अपनी सरकार का ओर से अपने देश प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और किसान जो है इन सारी योजनाओं से काफी खुश है। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। हरिद्वार में निर्मोही अखाड़ा क्षेत्र में अव्यवस्थाओं से नाराज निर्मोही संतों ने अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह की पिटाई कर दी। वहीं बीच बचाव करवाने आए पुलिसकर्मियों के साथ भी गुस्साए संतों ने मारपीट की। हरवीर सिंह निर्मोही अखाड़े में संतों के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे, तभी कुछ संत भड़क गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं तनाव को देखते हुए मौके पर मेला IG संजय गुंजाल पहुंचे। पर ये इतने कर्मठ इंसान के साथ दुर्व्यवहार करना, नाराजगी सब में है। हम भी नाराज है बहुत चीज़ों के लिए, लेके पर मेरे हिसाब से डायलॉग से बातें सुलझनी चाहिए। मेरी तो मिसेज हरवीर जो है वो बहन बनी है, तो परिवार का मामला था, मैं देखने आई जैसे मुझे मालूम पड़ा। और ऐसे कोई भी घटने का मैं घोर निंदा करती हूँ। काल निर्मोही अखाड़े में अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह के ऊपर हमला हुआ और मारपीट भी हुई। जो समाचार ये आया कि उनके साथ अभद्रता भी की गई और उनके कहीं चोटें भी आई हैं, खून भी बहा है, यह घटना निंदनीय है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की निंदा करता है। ये आपको मैंने पहले भी कहा ना कि मैं आपको किसी के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। अब आप जो ऐसा अपना वो कर रहे हो तो गलत कर रहे हैं, हम नहीं बता पाएंगे आपको। क्या कुछ ट्रीटमेंट दिया सर वैसे उनको? हल्का फुल्का ट्रीटमेंट क्या था, क्या नहीं था? नहीं, ये मैंने कहूँगा ये मरीज का अधिकार है, इसमें हम किसी को नहीं बता सकते। मरीज भले पूछे, उसके परिजन पूछे, तो मैं उनको बताऊंगा। कुंभ मेले की शुरुआत के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर SSP पौड़ी पी रेणुका देवी ने ऋषिकेश में स्वर्ग आश्रम और मुनि की रेती क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय और कुंभ मेला पुलिस को एक स्कूल के अंदर ब्रीफिंग भी दी। मौके पर उनको ड्यूटी पॉइंट के बारे में भी बताया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस संयम से काम ले और ड्यूटी करे। अभी 12-14 को कुंभ का ड्यूटी को देखते हुए आज यहाँ पर ब्रीफिंग किया था। सभी को ड्यूटी पॉइंट्स के बारे में ब्रीफिंग किया है, किसको कहाँ पर ड्यूटी है, कहाँ कहाँ पर पार्किंग्स बनाया है, कहाँ कहाँ पर डाइवर्जन्स करना है, आप लोग कहीं ट्रैफिक जाम हो गया मतलब, और यहाँ पर गार्ड में ड्यूटी है उनको भी ब्रीफिंग किया है। गार्ड में क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था है उसको अभी से ही देख ले, कहीं कोई कमी हो बताइए ताकि वो हम सही करें। हल्द्वानी का ट्रेंचिंग ग्राउंड पिछले कई दिनों से धधक रहा है। हल्द्वानी का एक बड़ा हिस्सा भी इससे प्रभावित हो रहा है, लेकिन प्रशासन और नगर निगम आग बुझाने और धुएं से जनता को राहत दिलाने में नाकाम साबित हो रहा है। ट्रेंचिंग ग्राउंड में धधकी आग से जहां एक तरफ वन संपदा को भी नुकसान पहुंच रहा है, वहीं वातावरण में भी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ा हुआ है। हाँ, आग की शिकायत अभी मुझे जानकारी मिली थी और उसका निवारण कम्पोस्ट प्लांट इत्यादि बनने के बाद ही होगा और वर्तमान में टेंडर किए जा चुके हैं
दोबारा फिर टेंडर किए जाने हैं। मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, आग जो लगा रहे क्या कारण है सब? आग देखिए कई कारणों से लग सकती है और कई लोग उसमें जबरदस्ती भी आग लगाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग के बारे में विषय में मैं एक बार नगर आयुक्त से बात करूंगा। ये आग जो यहाँ पर सरकारें लगा रही है इसकी जिम्मेदार कौन है? नगर निगम ये कूड़े यहाँ डालता है, इसकी भी ठेकेदारी होती है नगर निगम के द्वारा, ये कूड़े में आग लगाई जाती है, इसमें भी बहुत बड़ा रोल यहाँ के नगर निगम का है। ये कूड़ा आग लगा के यहाँ जो कूड़ा बनाई करने वाले आते हैं ये यहाँ के नगर निगम के ठेकेदार हैं। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ की सरकार कोई रुझान नहीं ले रही है उन गरीब वासियों के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मर चुके हैं इस बीमारी की वजह से। ये धुआं का रुख अभी इस तरफ है, जब ये धुएं का रुख आबादी तरफ पलटेगा तो यही गंदगी का धुआं इस गरीब जनता के घरों में जाता है और आदमी इससे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। हल्द्वानी में आप कार्यकर्ता टिप्पर पांडे को हल्द्वानी महानगर इकाई का अध्यक्ष घोषित किया गया, जहां पार्टी कार्यालय में कई लोगों ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो वहीं आपके प्रदेश प्रवक्ता सुमित टिक्कू का कहना है कि आम आदमी पार्टी जनता के अनुरूप प्रदेश में सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत कर रही है, लोग लगातार उनसे जुड़ रहे हैं। देखिए हम धीरे धीरे संगठन अपना खड़ा कर रहे हैं और आप यकीन मानिए अभी जो पहली हमारी प्रायोरिटी है वो संगठन खड़ा करने की है। हमारा जिस तरीके से हमें जनता द्वारा हाथों हाथ लिया जा रहा है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां जो लोगों के द्वारा जो लोग प्रभावित हैं उससे, तो बड़ी जल्दी हमारा संगठन खड़ा होगा और अब आम चुनाव में अब जब हम भागीदारी करेंगे इन 70 विधानसभाओं की, तो उसके बाद जो एक नतीजा आएगा तो आप ये समझ लीजिए कि हम मुख्य धारा की पार्टी के रूप में अपने को स्थापित करेंगे, ना कि विकल्प के रूप में। वेस्टर्न सर्कल के रामनगर वन प्रभाग और नैनीताल वन प्रभाग के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज और नैनीताल वन प्रभाग के मनोरा रेंज के जंगलों में आग लगने से लाखों की वन संपदा तो खाक हो ही रही है, साथ ही वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। साथ ही जलते जंगलों से पहाड़ों में धुआं भी उठ रहा है, जिससे पर्यावरण को खासा नुकसान हो रहा है। यहाँ पे आग से विगत 2-3 दिनों से लगातार आग यहाँ जंगलों में लग रही है, जिससे कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक तो पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है, दूसरी चीज़ जो हमारे जंगली जानवर हैं उनके जो छोटे छोटे बच्चे सावक हैं उन लोगों के लिए भी बड़ी काफ़ी समस्या है कि वो कहाँ को जाएं। जो अभी आग लगी है रामनगर डिवीज़न में लगी है और कल जो लगी थी वो मनोरा रेंज में लगी थी, जबकि अभी हमने फॉरेस्ट गार्ड को और रेंजर साहब को फ़ोन किया कि साहब यहाँ पे आग लग गई है, जबकि उनके द्वारा कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया गया, उनके व्हाट्सएप में मैसेज भी किया गया। जो NCDC का प्रोजेक्ट है वो हम भारत सरकार किसी कल्याण मंत्रालय से लाए थे, उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ पे हम NCDC से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस समय उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। हम लेमन ग्रास में भी काम कर रहे हैं, हम सैलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेद उत्पादकों का भी एक FPO बनाया हम लोगों ने, और कृषि आधारित जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। और साथ ही NCDC को भी मैं बधाई दे रहा हूँ, भारत सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के रुद्रपुर से लॉन्चिंग की थी और उस दिन लगभग 70,000 किसान उस कार्यक्रम में आए थे। और मैं एक बार फिर भारत सरकार का और अपनी सरकार का ओर से अपने देश प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और किसान जो है इन सारी योजनाओं से काफी खुश है। टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र के लिए राज्य सरकार के द्वारा 3 बस सेवा शुरू की गई है। बस सेवा को शुरू करवाने के लिए ग्रामीण काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। प्रतापनगर के भदुरा पट्टी में रोडवेज बस के आने से ग्रामीणों ने बस चालक परिचालक का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। ग्रामीणों ने प्रतापनगर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी पंकज व्यास का भी आभार जताया। प्रतापनगर क्षेत्र पहले से ही काले पानी की एक सजा भुगत रहा है और जब से डोबरा चांटी पुल का निर्माण हुआ है और स्वागत हुआ है तब से
लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि यहाँ पे जो है सरकारी बस की व्यवस्था हो, और खासकर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको जो है 65 वर्ष की जो उम्र है, और यहाँ तक आप देखते हैं कि कितना ये पिछड़ा इलाका है, ज़्यादातर लोग बच्चे ऋषि के अंदर में रहते हैं, तो कम से कम लोगों को बुजुर्गों के लिए जो है राज्य सरकार की तरफ से ये व्यवस्था हुई है। और इसके लिए मैं विशेष रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे एक कहने पर उन्होंने 3 बस सेवाएँ जो है प्रताप नगर विधानसभा के लिए शुरू की है। हमारे उत्तराखंड सरकार ने और श्री पंकज व्यास भाई ने यहाँ पर संघर्ष किया है, और हमारे जो घाटी में यहाँ भद्रा घाटी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर एक गाड़ी एक रोडवेज बस की सेवा आरगढ़ पट्टी आरगढ़ तक पहुँचाई है। मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पत्रकारों को देता हूँ, ड्राइवर चालक सह चालकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार यहाँ पर जो है विकास थोड़ा थोड़ा करके हो लेकिन आगे बढ़ता रहे। विकास कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इस बांध से जो प्रभावित है, हमारी एक मांग ज़रूर है, अभी भी है, ओबीसी है तो बहुत छोटा ओबीसी है, स्टेट लेवल का है। दूसरी बात, हमारे हम जिस चीज़ से प्रभावित हुए टीरी डैम से, तो हमारे क्षेत्र में बिजली कम से कम उत्तराखंड सरकार फ्री दे दे, कोई अधिभार नहीं पड़ेगा इस। टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने विकास भवन में अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई गई। बैठक में विधायक ने शेयर पंपिंग योजना, मसूरी फल पट्टी योजना को लेकर जल निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस सीजन में पानी मिलना चाहिए और योजनाओं पर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। उनके द्वारा कई बार वार्निंग देने के बाद भी, जिला प्रशासन के बाद भी वो नहीं माने। हमने आज कहा है कि आज की बैठक के बाद घनसाली को पदमुक्त किया जाए, उनको कार्यभार उनसे हटाया जाए। आज सभी हम एमडी को उसका पत्र लिख रहे हैं और किसी दूसरे अधिकारी को चार्ज दिया जाए ताकि जो है उस अधिकारी के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हमने जिलाधिकारी से भी कहा है। और निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी जो है सरकारी बैठकों का जो बहिष्कार करते हैं, जो अपने कार्य के प्रति जो लापरवाह रहते हैं। हम सरकार के संज्ञान में भी ला रहे हैं और बहुत जल्द से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मैं निश्चित रूप से गवर्नमेंट को लिखने वाला हूँ। टिहरी पहुंचे पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। टिहरी विस्थापितों के पानी और सीवर बिल भुगतान मामले में मंत्री ने कहा कि जल संस्थान के द्वारा अपनी लायबिलिटी के बारे में बताया गया है, 2019 तक का बिल माफ किया गया है, अब इसके बाद नई कमेटी बनाई जाएगी। वसूली के लिए नहीं है वो, अपने के विभाग के लिए, हमारे पास इतनी लायबिलिटी है इसलिए बनाया हुआ था, कोई वसूली के लिए नहीं, ये करने वाला। तो शासन जल्दी इस पर निर्णय लेगा। बिल्कुल निर्णय ले लिया उन्होंने, तो माफ कर दिया आपका 2019 तक का, क्या उसके बाद नहीं समिति बने, समिति के बाद जो रिपोर्ट आएगी कैबिनेट में जाएगा, और जब 19 तक माफ कर दिया तो आगे भी माफ होगा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल इकाई ने कोटद्वार में एक रैली निकाली, जिसमें पौड़ी गढ़वाल के भारी तादाद में एनपीएस पीड़ित अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, अर्धसैनिक बलों के परिजनों के द्वारा प्रतिभाग भी किया गया। सभी के द्वारा कहा गया कि जल्द ही अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू नहीं किया गया तो सभी लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। जो 1 अक्टूबर 2005 के बाद उत्तराखंड में नियुक्त सरकारी सेवक हैं, उनको पुरानी पेंशन बहाली की उनकी लगातार मांग एनएमओपीएस के माध्यम से उनको कर रहे हैं, उसी मांग को देखते हुए आज ये रैली का आयोजन यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पर जिस तरह से कर्मचारी जुड़ रहे हैं, लगातार हमारे साथ लामबंद हो रहे हैं, हम सरकार से ये बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं कि कर्मचारी जो जब 30 से 35 साल सेवा में रहेगा और उसके बाद जब सेवानिवृत्त हो जाएगा और वो पुरानी पेंशन का लाभ उसे नहीं मिलेगा तो वो सड़क पर आ जाएगा, वो अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा है। बढ़ती गर्मी के चलते नरेंद्र नगर सहित टिहरी के कई वन क्षेत्रों में आग लग गई। सुबह 9:30 बजे उपली ढालवाला गैस एजेंसी के समीप घने जंगलों में आग लग गई। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उसके बाद तपोवन क्षेत्र में भी आग लग गई, जहां पर कुंभ में लगी फायर सर्विस के टैंकरों के द्वारा आग को बुझाने का काम किया गया, तो वहीं शाम को भद्रकाली के वन क्षेत्र में आग लग गई। ये गर्मी का सीजन शुरू हो गया है और गर्मी के सीजन शुरू होते ही आग लगनी शुरू हो गई है। बहुत से क्षेत्रों में आजकल लोगों की लापरवाही से कई जगह में आग लग रही है। कल 1 तारीख को हमें प्रातः सूचना मिली कि ढालवाला क्षेत्र में आग लगी है।
हम वहाँ पहुँचे पूरी मैं यूनिट के साथ और वन विभागों के साथ मिलकर हमने उस आग को पीट पाट कर और काफ़ी ऊंचाई में उन्हें उसको बुझाया। जैसे हमने उसे बुझा के एक घंटे की मशक्कत के बाद बुझाने के बाद हम वापस आ ही रहते थे, तब तक सूचना मिली कि तपोवन क्षेत्र में इधर पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के पास ही जंगल में आग लगी है। तो उसके लिए हमने तुरंत जब तक हम वहाँ जाते तो हमने कुंभ मेला क्षेत्र की गाड़ी को पहले रवाना किया कि आप वहाँ जाइए और तब तक हम फिर अपनी गाड़ी लेके भी हम वहाँ पहुँच गए। गर्मी का सीजन तेज़ी से शुरू हो रहा है और इसी के साथ जो है जंगलों में आग लगनी भी शुरू हो गई है। लोगों की लापरवाही के कारण ये आग लगातार लग रही है। हम आपको बता दें कि कल ढालवाला के समीप जहाँ पर गैस गोदाम खोला जा रहा है तो वो जंगल से सटा हुआ है गैस गोदाम, वहाँ पर ज़बरदस्त आग लगी। यहाँ पर जैसे ही अग्निशमन कार्यालय को पता लगा, मैं फोर्स लेकर के मौके पर पहुँचे और वहाँ पर एक घंटे के बाद आग बुझाई तो उन्हें पता लगा कि तपोवन क्षेत्र में आग लग गई है। वहाँ भी जा कर के और कुंभ में जो वहाँ पर फायर सर्विस की जो गाड़ियाँ थी, वहाँ पर टैंकर थे, उनको लेकर के आग बुझाई गई। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रहीं। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार। जो NCDC का प्रोजेक्ट है वह हम भारत सरकार किसी कल्याण मंत्रालय से लाए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ पे हम NCDC से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस समय उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। हम लेमन ग्रास में भी काम कर रहे हैं, हम सैलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेब उत्पादकों का भी एक FPO बनाया हम लोगों ने, और कृषि आधारित जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। और साथ ही NCDC को भी मैं बधाई दे रहा हूँ, भारत सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के रुद्रपुर से लॉन्चिंग की थी और उस दिन लगभग 70,000 किसान उस कार्यक्रम में आए थे। और मैं एक बार फिर भारत सरकार का और अपनी सरकार का ओर से अपने देश प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और किसान जो है इन सारी योजनाओं से काफ़ी खुश है।